मौजूद हैं। मनीष कश्यप की सिविल कोर्ट में आज पेशी हो रही है। बेतिया कोर्ट में पेशी के बाद आज पटना सिविल कोर्ट लाया गया है मनीष कश्यप को पेशी के लिए। और देखिए यहां पर बड़ी तादाद में मनीष कश्यप के समर्थक पहुंचे हुए हैं। तो पटना सिविल कोर्ट आपको दिखा देते हैं कि यहां पर हम लोग मौजूद हैं। कोर्ट के अंदर मनीष कश्यप के मामले में सुनवाई हो रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब आगे मनीष कश्यप को बिहार की ही जेल में रखा जाएगा या वापस तमिलनाडु भेज दिया जाएगा। उनके जो तमाम समर्थक हैं वो चाहते हैं कि मनीष कश्यप जो यहाँ पर कुछ वकील उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? आर के वर्मा। आप जिस तरह से देख रहे हैं मनीष कश्यप को लेकर लोग चाहते हैं कि बिहार में रखा जाए, आपको क्या लगता है उनके सारे मामलों को लेकर बिहार में उनको रखा जाएगा या वापस तमिलनाडु भेजा जाएगा? देखिए सरकार की नीति को तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या चाहते हैं मनीष कश्यप के साथ। जो हो भी रहा है तो बिल्कुल अन्याय हो रहा है। एक आदमी के साथ इतना सारा राजतंत्र तो उसके पीछे लगे, ये बिल्कुल गलत है। अभी तक मनीष कश्यप मामले में जो है NSA भी लगा हुआ है, क्या लगता है उनको बाहर आने में कितना टाइम लग जाएगा? उस समय तो कुछ लगेगा जैसा नीति कह रहा है सरकार का, लग रहा है जो भी हो रहा है उसको लगभग करेगा ना। जुडिशियल प्रक्रिया में समय लगेगा, हम लोग कानून तो जुडिशियल प्रक्रिया पर ना आधारित है। चलिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं, आपको पूरा नजारा दिखाते हैं कि मनीष कश्यप की पेशी चल रही है। कोर्ट में जज के सामने मनीष कश्यप पेश हो रहे हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर का आपको नजारा दिखाते हैं। कोर्ट के बाहर देखिए कितना जबरदस्त माहौल है, लोगों की भीड़ मनीष कश्यप के लिए जुटी हुई है और ये ज्यादातर लोग जो है मनीष कश्यप को लेकर उनके समर्थक यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो मनीष कश्यप के मामले में अभी तक यही हुआ कि जब वो बेतिया कोर्ट पेशी के लिए जा रहे थे तो उनके जो समर्थक हैं वो बड़ी तादाद में जुट गए और पुलिस की गाड़ी के सामने इकट्ठा हो गए। लेकिन वहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि पुलिस अब इनको नहीं वापस तमिलनाडु ले जाए, इनको बिहार में ही रखे, और इसके लिए वो सब लोग पुलिस की गाड़ी के आगे खड़े हो गए। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, क्यों ना इनसे बातचीत की जाए। देखिए यहाँ पर एक मैम इनसे बातचीत करते हैं। आप अभी अभी मनीष कश्यप से हमने देखा कि आपने मुलाकात की और आप काफी भावुक भी हो गई थी, क्या कहना चाहेंगी, क्या चाल चली जा रही कि मनीष कश्यप किसी तरह बाहर ना आए? बिल्कुल ये साजिश है, नहीं तो साजिश अगर नहीं होती तो आज मनीष कश्यप जो है सो बाहर रहते और ऐसे ही आपके तरह पत्रकारिता करते रहते। जिस तरीके से उनको कैद करके रखा गया है ये कहीं ना कहीं एक सच्चा ईमानदार पत्रकार को दबाने का काम किया गया है। मैं उनसे मिली, मैंने उनकी चेहरे की स्माइल देखी और मेरे आंख में आंसू आ गया। इसलिए आ गया क्योंकि एक देश का बेटा निर्दोष और वो सजा काट रहा है, आखिर गुनाह क्या है उसका? तो यही सवाल हमारी सरकार से भी है और उम्मीद है कि बहुत जल्द वो बिहार का बेटा हम सभी के बीच आएगा। जिस तरीके से बेतिया कोर्ट का फैसला आया है पूरे देश भर के लिए बहुत राहत की बात है, उसी तरीके से सिविल कोर्ट का भी फैसला बहुत जल्द आने वाली है। हम लोग यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे देश का बेटा जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए इसी तरह पूरा राहत मिले आज जो फैसला आए। देखिए उन पे NSA लगा है, जब तक NSA नहीं हटेगा उनकी जो बेल है वो बहुत मुश्किल है, क्या कह रहे हैं वकील मनीष कश्यप के? देखिए राहत मिलेगी जब जब कुर्की जब्ती बेतिया कोर्ट से हुई है, जब अरेस्टिंग वारंट जो इशू हुई है बेतिया कोर्ट से हुई थी, तो जाहिर सी बात है कैदी बेतिया कोर्ट की हुई हो, बेतिया के कोर्ट के ही हुए, और बेतिया कोर्ट के न्यायालय के फैसला आने के बाद जज ने कहा कि ये बेतिया जेल में ही रहेंगे। लेकिन साजिश देखिए कि उनको बेतिया जेल में नहीं रखा गया, उनको पटना बेउर जेल शिफ्ट किया गया। वो भी पटना बेउर जेल के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है उनको रखने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश चल रही है। तो हमें उम्मीद है कि पूर्णतः हमारा बिहार का बेटा बिहार में ही रहेगा। आज का फैसला का इंतजार पूरा देश को है, हमें भी है और ऊपर वाले पे भरोसा है कि हित जो है न्याय जो है हम सभी के लिए ही होगा। अगर इन मामलों में अगर उनको मान लीजिए बेल मिल भी जाती है तो तमिलनाडु सरकार ने NSA लगाया है, जब तक देखिए कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में जाने के बाद सारे कुछ प्रूफ होने के बाद जो होती है होती है। लेकिन हमें इतना पता है कि ऐसा वो कोई गुनाह नहीं किए थे जिन पे उन पर NSA लगाया जाए। अगर गुनाह की बात होगी तो उन तमाम प्रिंट मीडिया ने
अपने अखबारों में प्रमुखता से उन खबरों को छापा था, तो उन पे भी एनएसए लगाना चाहिए था। ट्विटर पे तमाम राजनेता ने ट्वीट किया था, उन पे भी एनएसए लगाना चाहिए था। तो ये सोची समझी साजिशें है जो मनीष कश्यप को मोहरा बनाया गया है। तो कोई बात नहीं, बहुत जल्द वो बाइज्जत बरी होंगे और एनएसए जो लगाया वो कोई नहीं, वो सब खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर उनके समर्थक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और चाहते हैं कि मनीष कश्यप जो है बाहर आ जाए, और इसीलिए देखिए ये पूरी जो है यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। और मनीष कश्यप को लेकर लोगों में जो उत्साह है, जो जोश है, वो ये पटना सिविल कोर्ट के बाहर साफ नजर आ रहा है। कि और भी कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे कि मनीष कश्यप मामले में वो क्या कुछ विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसा मुद्दा बन गया जिसने तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ कथित मारपीट के मामले में आवाज उठाई और कहा कि मनीष कश्यप खुद गए तमिलनाडु, वहाँ पर बिहार के लोगों से मिले, बिहार के मजदूरों से मिले, और उसके बाद फर्जी वीडियो बनाकर वायरल करने का उन पर आरोप लगा। और उसके बाद एक के बाद एक कई मामले बिहार में उनके खिलाफ दर्ज हुए। इसके बाद तमिलनाडु की सरकार ने कई केस उन पर बनाए। कुछ पुराने मामले मनीष कश्यप पर चल रहे थे, उन पर सुनवाई शुरू हो गई, उन पर कुर्की जब्ती शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर मनीष कश्यप को लेकर यहाँ पर जो माहौल है वो गजब का है। और कुछ लोगों से बातचीत करते जानने कोशिश करते हैं। तो क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम, मनीष कश्यप को लेकर आप भी आज पहुंचे हैं, क्या मकसद है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि न्याय मिले मनीष सर को। हाँ। ठीक है, बस और कुछ नहीं। न्याय चाहते हैं, क्या लगता है न्याय की प्रक्रिया कितनी लंबी हो सकती है? अब ये तो जज साहब बताएंगे कितनी प्रक्रिया लंबी हो सकती है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पत्रकार जो है पूरा बहस कर रहे हैं और माहौल यहाँ पर एकदम गरमाया हुआ है। देखिए आप यहाँ पर कैसे मनीष कश्यप सही हैं, निर्दोष हैं, इसको लेकर पत्रकार जो है वकीलों से चर्चा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ वो प्रक्रिया हो सकती है जिसकी चलते मनीष कश्यप को जो है जल्दी से जल्दी बाहर कर दिया जाए। और मनीष कश्यप जब बाहर आए तो उनके जो समर्थक हैं वो कुछ राहत महसूस करें। तो यहाँ पर माहौल आपको दिखा रहे लगातार कैसा बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हूँ। तो देखिए यहाँ पर खूब गर्मा गर्मी चल रही है। तो आप देखिए यहाँ पर सच तक न्यूज की, आप मनीष कश्यप के साथ आप भी काम करती थी, हमने देखा अभी आप मनीष कश्यप से मिली। सबसे पहले बताइए इतने दिन बाद मिलकर कैसा लगा आपको? इतने दिन बाद मिलकर तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इमोशनली भी हम उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट है, हम उनको देख के सीखते हैं बहुत कुछ। मनीष कश्यप पर कार्रवाई हुई तो सच पर जांच बिठा दी गई, जो आपका चैनल है। बढ़िया बात है, सच जो है सामने आएगा, बस इंतजार कीजिए। परेशान किया गया आपको? परेशान नहीं किया गया, बस कोऑपरेट किया गया साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है और मनीष कश्यप को कितना अंदर भैया के लिए कुछ भी अंदर रहना और बाहर रहना कोई फर्क नहीं पड़ता है, जल्द से जल्द वापस आएंगे। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये मनीष कश्यप का जो चैनल है सस्ता, उसमें काम करने वाली पत्रकार थी जिनसे हमने अभी आपकी बातचीत करवाई। तो कुछ और लोग हैं यहाँ पर जिनसे हम लोग कोशिश करेंगे बातचीत करने की, लेकिन आगे क्या कुछ इस मामले में फैसला आएगा, पटना सिविल कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन जब तक मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए नहीं हटता है तब तक उनकी बेल, उनकी रिहाई बहुत मुश्किल है, ये लगभग तय माना जा रहा है। आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल इस खास खबर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार।